वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर फ्रॉम प्रिंस एंड मेमोरियल पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ एक पढ़ाऊंगी, जो पेज नंबर 5 पर है। ओके स्टूडेंट, पाठ 1, भाषा और व्याकरण। स्टूडेंट, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। ओके, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम भाषा और व्याकरण के बारे में और जानेंगे। चित्र को देखिए और समझिए। मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विभिन्न सार्थक ध्वनियों द्वारा अपने भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। जैसे स्टूडेंट, आप इस चित्र में देख सकते हैं, अध्यापिका ब्लैकबोर्ड के माध्यम से लिखकर छात्रों को पढ़ा रही हैं और छात्र देखकर व सुनकर समझ रहे हैं। ओके, संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने भाव और विचारों को भाषा द्वारा दूसरे के समक्ष प्रकट कर सकता है। ओके स्टूडेंट, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दिए गए चित्र में अध्यापिका अपनी बात बोलकर व लिखकर विद्यार्थियों को समझा रही हैं तथा विद्यार्थी उसे सुनकर व पढ़कर समझ रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य बोलकर व लिखकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता है। भावों व विचारों के आदान प्रदान का यह साधन भाषा है। ओके स्टूडेंट, चित्र में अध्यापिका बोलकर व लिखकर अपने भावों को प्रकट कर रही हैं और छात्र सुनकर व पढ़कर समझ रहे हैं। ओके, भावों व विचारों की इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम भाषा कहते हैं। ओके, परिभाषा, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाता है। भाषा वह साधन है स्टूडेंट, जिससे हम अपने भावों व विचारों को एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। मन के भावों व विचारों को प्रकट करने के 3 रूप हैं। फर्स्ट, मन के भाव व विचार बोलकर प्रकट किए जा सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, आप कैसे हैं? दूसरा व्यक्ति जवाब में कहता है, आपकी कृपा है। तो स्टूडेंट, यह माध्यम कौन सा है? यस, बोलकर अपने भावों को प्रकट करना। सेकंड, मन के भाव व विचार लिखकर भी प्रकट किए जा सकते हैं। स्टूडेंट, हम अपने भावों व विचारों को लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यदि कुछ ब्लैकबोर्ड पर लिखकर बताऊं, तो वह कौन सा माध्यम होगा? यस, लिखकर। थर्ड, मन के भाव व विचार संकेत से भी प्रकट किए जा सकते हैं। स्टूडेंट, थर्ड में हम अपने विचारों को संकेत द्वारा भी समझा सकते हैं। कैसे? यदि हमें किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाना हो, तो हम उसे बिना बोले या बिना लिखे कैसे बताएंगे? संकेत द्वारा। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन से? यस, फर्स्ट मौखिक भाषा, सेकंड लिखित भाषा, थर्ड सांकेतिक भाषा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज 6। फर्स्ट मौखिक भाषा, जब हम किसी व्यक्ति को मुख से बोलकर अपनी बात समझाते हैं या कहते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक कथित उच्चरित भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब हम अपनी बात किसी को बोलकर समझाते हैं या कोई व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, तो वह कौन सी भाषा होती है? यस, मौखिक भाषा। ओके, और इस भाषा
भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे तथा अनपढ़ लोग दोनों ही कर सकते हैं। सेकंड, लिखित भाषा, जब हम अपने मित्रों, संबंधियों या परिचितों को लिखकर अपनी बात समझाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब हम अपनी बात किसी को लिखकर समझाते हैं तो वह कौन सा माध्यम कहलाता है भाषा का? यह लिखित भाषा, और इसका प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थर्ड है सांकेतिक भाषा। जब हम किसी को अपनी बात संकेत या इशारे से समझाते हैं तो भाषा का यह रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। स्टूडेंट, जब हम किसी को अपनी बात इशारे द्वारा समझाते हैं तो वह कौन सी भाषा कहलाती है? यह सांकेतिक भाषा। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, जैसे जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच तथा जापान में जापानी आदि। इसी प्रकार भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली, पढ़ी व लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती है स्टूडेंट, जैसे जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, और राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, गुजरात में गुजराती। ओके स्टूडेंट, हिंदी हमारी राष्ट्र और राजभाषा है और अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा से तात्पर्य है जो दूसरे देश की होती है और दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में उपयोग की जाती है, और राष्ट्रीय भाषा अपने ही देश की होती है और अपने ही देश में सभी जगह यूज की जा सकती है। ओके, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे राज्य असम भाषा असमिया, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। स्टूडेंट, इन राज्यों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। आगे देखेंगे हम, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, ओडिशा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। ओके स्टूडेंट, लिपि, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। स्टूडेंट, जब हम कुछ बोलते हैं हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, जैसे मैं अभी आपसे कुछ बोल रही हूँ, बोलकर पढ़ा रही हूँ, तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। अब इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे वह लिपि कहलाते हैं। ओके, परिभाषा, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। ओके स्टूडेंट, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अन्य कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। स्टूडेंट, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है और कुछ लिपियां भाषाओं के साथ इस प्रकार है। पेज नंबर 7 पर यहाँ कुछ भाषाएं उनकी लिपि के साथ दी गई हैं: पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, मराठी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, तमिल, संस्कृत, देवनागरी। ये भाषाएं इन लिपियों में लिखी जाती हैं। ओके स्टूडेंट, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी लिपि
ओके स्टूडेंट। व्याकरण, भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से बनते हैं, परंतु शब्दों को एक निश्चित ढंग से रखने पर ही वाक्य बनते हैं। मनमाने ढंग से शब्दों को कहीं भी रख देने से वाक्य नहीं बनता। इस बात को उचित प्रकार से समझने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। स्टूडेंट, भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं, परंतु सही वाक्य शब्दों को सही क्रम में रखने से बनते हैं। यदि हम अपने मनमाने ढंग से कोई भी शब्द कहीं भी लिख दें तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। ओके, इसको हम इन उदाहरणों द्वारा समझेंगे। फर्स्ट, पिताजी पढ़ रहे हैं अखबार। सेकंड, अखबार रहे हैं पढ़ पिताजी। थर्ड, हैं पढ़ रहे अखबार पिताजी। स्टूडेंट, यहाँ तीन वाक्य दिए गए हैं, लेकिन तीनों वाक्यों में शब्दों का हेरफेर है, मीन्स उनको सही क्रम में नहीं लिखा गया है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। इन तीनों वाक्यों में शब्दों को अलग अलग ढंग से रखा गया है, पर तीनों वाक्यों में शब्दों के रखने का ढंग गलत है, इसलिए तीनों वाक्य गलत हैं। शब्दों को सही ढंग से रखने पर वाक्य इस प्रकार बनेगा, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम शब्दों को सही क्रम में नहीं रखते तो वह वाक्य नहीं कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि हमें कैसे पता चला कि ऊपर दिए गए तीनों वाक्य गलत हैं और यह वाक्य सही है। वास्तव में हर भाषा के कुछ नियम होते हैं जिनसे पता चलता है कि वाक्य सही है या गलत। उन नियमों को ही उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। स्टूडेंट, हर एक लैंग्वेज का एक व्याकरण होता है, ग्रामर होती है, जिससे हम भाषा को सही क्रम में और शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। ओके, इसी को हम उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन नियमों को हम फॉलो करके उस भाषा को शुद्ध रूप में लिखते हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। परिभाषा, वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। संसार की सभी भाषाओं का अपना अपना व्याकरण होता है, व्याकरण का शुद्ध ज्ञान होने पर ही हम भाषा का ठीक ठीक और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट, हर एक भाषा का अपना व्याकरण होता है, अपने रूल्स होते हैं, उसको किस तरह फॉलो करना है। ओके, जैसे हिंदी व्याकरण के अपने रूल हैं और इंग्लिश ग्रामर के अपने रूल हैं और किसी अन्य भाषा के अपने नियम होंगे। ओके, व्याकरण के अंग, व्याकरण के तीन अंग होते हैं। फर्स्ट, वर्ण विचार। सेकंड, शब्द विचार। थर्ड, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्ण, उसके उच्चारण तथा प्रकारों आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में इसके वर्ण और उसके उच्चारण, मीन्स की उसको किस तरह से बोलना है, किस तरह से उच्चारित करना है और उसके प्रकार कितने हैं, ये सब हमें वर्ण विचार में पता चलता है। सेकंड, शब्द विचार, इसमें शब्द की रचना, उसकी उत्पत्ति तथा प्रकारों के बारे में विचार किया जाता है। ओके, इसके प्रकार कितने हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, थर्ड में वाक्य विचार, इस अंग में वाक्य, वाक्य की रचना, प्रकारों एवं ग्राम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। स्टूडेंट, वाक्य विचार में इसके अंग की, वाक्य के कितने अंग हैं, इसकी रचना कैसे हुई है, इसके प्रकार कितने हैं और ग्राम चिन्ह, इन सभी का वर्णन वाक्य विचार में किया गया है। ओके, पेज नंबर 8 पर आएंगे स्टूडेंट। पेज नंबर 8 पर आपको अभ्यास माला दी गई है। स्टूडेंट, आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे।
प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। ओके, फर्स्ट में आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। ये आपको विकल्प दिए गए हैं और सही पर आपको सही का निशान लगाना है। सेकंड प्रश्न उत्तर है। थर्ड में आपको सही वाक्य के आगे सही का निशान और गलत वाक्य के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। ओके, पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्त स्थान भरने हैं। 5 में आपको राज्य को उसकी भाषा से मिलाना है। 6 में आपको इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है और 7th में आपको इन भाषाओं की लिपियां लिखनी है और 8th में आपको इन भाषाओं का रूप बताना है कि ये मौखिक है या लिखित। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको आज का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।